जो जीव कपट भाव में भगवान के समक्ष आएगा ना, भगवान कभी उसको आग भर के नहीं देखते। आप जैसे हैं, जिस तरह के हैं, पापी हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, जैसे भी हैं, वैसे भगवान के समक्ष जाइए। कोई बनावट नहीं होनी चाहिए, भगवान को बनावट प्रिय नहीं। इसलिए सूप नखा इतना बन करके गई लेकिन भगवान ने पलक भर करके नहीं देखा। और एक सबरी थी जो वृद्ध हो गई, ना उसका रूप था ना कोई सौंदर्य था, लेकिन मन कितना पवित्र और प्रेम से भरा था कि स्वयं भगवान चलकर वहां पहुंचे। वृद्ध अवस्था में बूढ़ी सबरी को भामिनी कहकर संबोधित किया। प्रेम में और आकर्षण में इतना ही अंतर है। प्रेम हमेशा देता है, लेने की अपेक्षा नहीं करता, और आकर्षण मिल जाए कैसे भी करके, और अगर वो नहीं मिल रहा तो कोई दूसरा मिल जाए, ये आकर्षण होता है। जब भगवान ने सूप नखा से कहा कि मेरा छोटा वाला भाई तुमसे विवाह करेगा, वो राजा बन जाएगा, मेरी तो पत्नी है, मैं विवाह नहीं कर सकता, तो आई थी राम जी को वरण करने, लेकिन जब देखा ऑप्शन ही नहीं है तो चलो लक्ष्मण को अपना बना लें, वहां गई। तो ये आकर्षण है, अगर आपसे कोई श्रेष्ठ है तो आपका आकर्षण दोबारा दूसरे पर चला जाएगा। प्रेम ऐसा नहीं है, प्रेम माने एक तो एक। सबरी के जीवन में राम से लगन थी, उनके गुरु जो बता के गए, मजाल है किसी अन्य देवता का आश्रय उन्होंने लिया हो। इसलिए सूप नखा की नाक कान काटे गए, भगवान भी प्राप्त नहीं हुए, बदनाम हो गए महाराज। और शबरी महाराज विश्वविख्यात हो गई कि उसका नाम लेने से पवित्रता, जीवन में भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है। नाक कान काटे क्यों गए? जो इस प्रकार के आकर्षण में बंधे हुए वासनामय लोग होते हैं, नाक कान का अर्थ है नाक माने चरित्र, उन्हें अपने चरित्र का, परिवार के चरित्र का भी ख्याल नहीं रहता। कान माने किसी की सुनने को मन नहीं होता उनका, कि कोई अच्छी बात सुनाए तो वो उसके लिए विपरीत हो जाएंगे, पर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कोई हमारी बात के लिए मना करे। तो इसका अर्थ है ये एक रचनात्मक चीज है कि नाक कान काटे गए, यानी उन्हें चरित्र की, नाक कहते हैं ना चरित्र को कहते हैं। जब हम कहते हैं किसी की समाज में नाक बहुत ऊंची है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नाक बड़ी है, चरित्र बड़ा है उसका, उसने अपने चरित्र में कलंक नहीं लगाया है, चरित्रवान है। तो जो ऐसे वासनामय लोग होते हैं कि कोई चीज मिल जाए कैसे भी मिले, ऐसे लोगों को ना तो अपने चरित्र का ख्याल होता है, ना ही अच्छी समझ और कोई बातें अच्छी कहे उसका ख्याल होता है, दोनों ही पसंद नहीं आती।